राजस्थान में 2018 के चुनाव के बाद जनता जनार्दन ने कांग्रेस को समर्थन देकर विजयी घोषित किया और सरकार भी बनी। हालांकि सरकार अभी भी चल रही है, लेकिन फिलहाल जो हालात कांग्रेस के अंदर दिख रहे हैं वे किसी से छिपे नहीं हैं। दरअसल जिस दौरान चुनाव हुए थे उसमें प्रदेश अध्यक्ष के पद पर सचिन पायलट थे, लेकिन नतीजे आने के बाद जैसे ही मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो केंद्र आला कमान ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। वहीं नाराज हुए सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाकर एक बार तो शांत करके बैठा दिया। पायलट उप मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी बैठे हुए थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने बैठकों में विरोध करना शुरू कर दिया। साल 2020 में तो सचिन पायलट ने अपनी सरकार को गिराने की कोशिश तक कर दी, जिसमें भाजपा के बड़े नेता गजेंद्र सिंह शेखावत, धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेताओं का भी नाम सामने आया, लेकिन गहलोत का कुछ नहीं बिगाड़ सके। पायलट को दिल्ली बुलाया गया। वहीं पायलट प्रदेश वापस तो आए, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। इन शर्तों के बारे में किसी को कुछ ज्यादा तो पता नहीं है, लेकिन पायलट कहते हैं कि हमने प्रदेश नेतृत्व बदलने की बात की थी। इसके बाद भी पायलट चुप नहीं बैठे। पायलट समर्थक विधायक चाकसू से वेद प्रकाश सोलंकी हो, लाडनू के मुकेश भाकर या फिर राकेश पारिक हो, सबने एक एक करके सरकार के खिलाफ जंग का विरोध प्रदर्शन किया और अपनी ही सरकार को घेरने की कोशिश की। हालांकि अशोक गहलोत समर्थक विधायक भी कम नहीं थे। उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया, गद्दार को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, गद्दार तो गद्दार होता है। इतना ही नहीं, सचिन पायलट ने अजय माकन के साथ मिलकर फिर से गहलोत को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसमें पर्यवेक्षक के रूप में आए मल्लिका अर्जुन खड़गे ने सामने देखा कि बदमाशी तो कुछ और ही है और उन्होंने उसके बाद सोनिया गांधी को रिपोर्ट पेश की। उस समय अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात भी चल रही थी और अशोक गहलोत ने एक बार तो मन भी बना लिया था, लेकिन फिर वो इस रेस से बाहर हो गए और मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। लेकिन पायलट चुप नहीं बैठे और गहलोत सरकार के खिलाफ अप्रैल में अनशन किया। कहने को तो ये सरकार के खिलाफ था, लेकिन सीधे तौर पर गहलोत उनके निशाने पर थे। उसके बाद फिर पायलट दिल्ली तलब हुए, वहाँ बहुत से बड़े नेताओं से मुलाकात हुई, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। पायलट फिर से एक और आंदोलन कर रहे हैं, वो अजमेर से जयपुर तक पदयात्रा कर रहे हैं। ये सभी घटना एक ही चीज बता रही हैं कि पायलट अपनी सरकार के खिलाफ ऐसे प्रदर्शन करके अपनी सरकार को दिसंबर तक सड़क पर लाने की तैयारी कर चुके हैं। पायलट की लड़ाई गहलोत से है, मगर पायलट पूरे कांग्रेस को ही साइडलाइन करने में लगे हुए हैं। 11 जून आने वाली है और इस दिन राजेश पायलट की पुण्यतिथि है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यही माना जा रहा है कि पायलट 11 जून को अपनी नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं और कांग्रेस को नमस्ते कर सकते हैं। कुल मिलाकर पायलट गहलोत के नाम से पूरी कांग्रेस की बैंड बजाने में लगे हुए हैं। अब देखना है कि कांग्रेस कितना संभल पाती है। लोकवार्ता न्यूज़, जयपुर।